अरे यार मुझे शादी में जाना और टेंशन हो रही है अब। अबे तो टेंशन क्यों ले रही है, शादी में जाके दावत खाइए। अरे यार तुम्हें पता नए कपड़े पहन के जाऊंगा जरा देर में, 8-10 लड़की सेट हो गई, कौन जिम्मेदार है? अब 8-10 थोड़ी चिल जाएंगी, मुझसे 2-4 लौंडियों की बात अलग है। यहाँ से निकल साले फुके, तुमसे कहाँ से लौंडियाँ सेट हो जाएंगी। अरे हो जाओ यार, नए कपड़े ऐसे कैसे हो जाएंगे यार। ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है हमें, मोहब्बत है तो आओ वरना मार चुकाओ। साले मैं तो कह रही कि भाड़ में जाओ, तूने गाली बक दी, मार चुदाओ। तो क्या हो गया, मार चुदाओ या भाड़ में, वो एक ही हो गया। राजा ठाकुर साहब, मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसका हाथ मांगने आया हूँ। हाट लौंडिया से पहले हमें चेक कर। साले बाप गंडी, आओ भाई फैजान भाई, तुम्हें पार्क घुमा के लेके हमें। नहीं यार मैं नहीं जा सकता पार्क। क्यों? अरे यार तू लेगा जिम्मेदारी पार्क की? काहे की जिम्मेदारी? पार्क में गया और पार्क की सारी लड़कियां देख के मुझे मर गई तो? अबे तो साले नहा के चलिए ना बदबूदार। साले क्यूटनेस है मेरे अंदर। अच्छा क्यूटनेस है क्या? हाँ बाबू जी, आज तुम्हारे लोने ने तुम्हारा नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। अरे मेरे बेटे, ऐसा क्या कर दिया हमें भी बता। बाबू जी मैंने बिना शादी किए आपको दादा बना दिया। अबे चोटी आगे साले तू, नाक कटवा दी तुमने मेरे पूरे गांव में। पागल हो गए क्या बाबू जी, आपको दादा बना दिया, लट्टू मारने के लिए तुम्हें तो मार रहे हो। के उनकी गली में हमको जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं। मुर्शद कार तो फटी पड़ी है हमारी, लेकिन उन्हें बताना नहीं। गाइस मैं इंस्टाग्राम रील्स चला रहा हूँ बहुत दिनों से, तो ऊपर करते करते बार बार टैग योर लव। किसे टैग करें, हमारे पास तो कोई लोंडिया भी ना है, क्या इन भाई सबको टैग करें? मुझे क्यों टैग करेगा, समीम भाई को कर दे अपने। अब यार कह तो तू सही रहा, गरीबों के देवता तो वही है हमारे। तो गाइस मैं अब समीम भाई को टैग करूंगा, तुम्हारी वीडियो भी शेयर होंगी, या तो मुझे कोई लोंडिया पटवा दो। तेरे भाई का सपना कि पापा तुम अब आराम करो, घर बैठो, अब पैसा तुम्हारा लोंडा कमाएगा। सही कह रहा यार आमिर, आज चल नौकरी ढूंढने चलते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन एक मिनट यार, अभी कुछ दिन और मजे ले लो, पापा को ही कमान दो। बस साले अभी तो कह रही पैसे कमाऊंगी। मैं तो मजाक कर रही। हमें मुख्तियार भाई शादी कहते टूट गई तुम्हारी लड़की की। अरे यार वो बड़े जलील लोग थे, दहेज मांग रहे थे साले। एक काम कर लोगे? बताओ। हमारे लड़के से शादी करा दो अपनी बेटी की, दहेज भी ना लेंगे। सही में दहेज ना लोगे? ना दहेज ना लेंगे भाई, सब बस 10 लाख रुपए कैश दे दियो। बड़े जलील लोग हो तुम भी यार, कैश मांग रहे हो, बात तो एक ही है। उन्होंने बुलेट मांगी थी ना, वो बुलेट मांग रहे हम कैश मांग रहे। हमारा इज्जत टीवीएस का है, टीवीएस तक का कोई रिश्ता बताओ। बेटे मैंने तेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है, अब तेरी शादी हो जाएगी। नहीं बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों बेटे खड़ा ना होता? मतलब खड़ा तो हो रहा तो फिर, लेकिन कमाई दमाई तो कर लूँ पहले। अच्छा कमाई वाला सिलसिला है, मुझे लगा नस दब गई। शादी का ऐसा मना कर दिया। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जब मैं अपनी पा जाता हूँ तो किसी के बाप की नहीं सुनता। अच्छा भाई ले, तू 10 रुपए की नमकीन लिया मेरे लिए यार। तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? बाकी के तू रख लिए, चल चल तो अभी आया। आमिर भाई हम अपने लड़के का ब्याह तुम्हारी लड़की से करा रहे हैं। अबे चल बे, ये साला कालिया मोटा भसेंडा, मेरी लड़की हूर का बच्चा, इस भोसड़े वाले से कराऊंगा शादी। देख लो लोंडे के नाम में 2 पेट्रोल पंप मांगे। अरे तो बताओ कब ला रहा बरात अपनी। हम तो तैयार बैठे, पेट्रोल पंप नाम मांगे तो बरात ला रहे हैं। यार आमिर हम तो बड़ा परेशान आ गए अपनी जिंदगी से। ये तो है, सभी परेशान है, लेकिन अगर हमारी राय मान लोगे तुम तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए तुम्हारा। अरे यार तो बताओ ना अपनी राय, हम तो मानेंगे जरूर। देखो फांसी लगा लो अपने आप को। बाप ले होते मरने की राय दे रहे हो हमें तुम। हाँ यार हम तो ऐसी राय देती है भैया, 200 रुपए पड़े तो बोलते लाओ ना, राय राय देता हूँ। भैया